बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम। ये विंटर 2015 का पेपर 13 का क्वेश्चन नंबर 4 है। ये कह रहे थे डायग्राम शोज अ मेटल प्लेट ओ ए बी सी डी ई एफ। इधर से शुरू करें, ओ ए बी सी डी ई एफ, ये इधर तक, ओ तक, फिर हाँ, ओ बी सी डी एफ कंसिस्टिंग ऑफ थ्री सेक्टर्स, तीन सेक्टर्स हैं ईच विद सेंटर ओ। तीन सेक्टर, एक ये सेक्टर है, ये सेक्टर है, ये सेक्टर है, इसका रेडियस ओ है, सॉरी सेंटर ओ है। द रेडियस ऑफ सेक्टर सी ओ डी इज टू आर। सी ओ डी जो ये रेडियस सेक्टर है सी ओ डी, उसका रेडियस ये आर, ये और आर, ये डॉटेड, ये प्लेट का हिस्सा नहीं है, यानी प्लेट के उसके जो डॉटेड लाइन्स होती पेरीमीटर में कभी नहीं आती। तो ये डॉटेड लाइन्स यानी प्लेट का शेप जो है मोर आर लेस तकरीबन इस तरीके से है। देखें मैं ड्राइंग कर ले, ये इस तरीके का है, यानी तकरीबन मोर आर लेस इस तरीके। डाइंग तो मेरी अच्छी नहीं रही, तो ये हिस्सा नहीं दिखाया गया, ये हिस्सा नहीं है, ये डॉटेड कैलकुलेशन के लिए है। तो आप देखें कि अब ये कह रहा है और ये दे रहा है ए ओ ई डी, ए ओ ई डी, और ये यकीनन सी बी ई ओ, ये स्ट्रेट लाइन्स है, स्ट्रेट लाइन्स तो देना पड़ेगा, इसको कहना पड़ेगा, ये डॉटेड ज़रूर है। अच्छा, शो दैट एरिया ऑफ द मेटल प्लेट इज आर स्क्वायर इंटू पाई प्लस थीटा। मेटल प्लेट का एरिया ये है, तो मेटल प्लेट का एरिया एक इस सेक्टर का एरिया, इस सेक्टर का, इसका इस सेक्टर का एरिया, तो एरिया हो जाएगा टोटल मेटल प्लेट का एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर सी ओ डी प्लस एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी प्लस एरिया ऑफ सेक्टर, तीनों सेक्टर्स का एरिया ओ ई एफ। तो अब मैं इधर करूँगा एरिया ऑफ सेक्टर सी ओ डी, या सी ओ डी। अच्छा, ये देखिए थेटा रेडियन है, तो यकीनन ये जो होगा ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये होगा पाई माइनस थेटा रेडियन। अच्छा, और ये भी थेटा है, तो ये भी यकीनन पाई माइनस थेटा रेडियन ही होगा। तो अच्छा, एरिया ऑफ सेक्टर सी ओ डी ये 1/2 आर स्क्वायर, इसका रेडियस 2r है, 2r का होल स्क्वायर इंटू थेटा, और प्लस इन इसका 1/2 आर स्क्वायर और पाई माइनस थेटा, और प्लस इसका भी यही होगा 1/2 आर स्क्वायर पाई माइनस थेटा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यह आ जाएगा 4r स्क्वायर, 2 डिवाइड करेगा यह आ जाएगा 2r स्क्वायर थेटा, और प्लस ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 माइनस आर स्क्वायर थेटा अपॉन 2, फिर प्लस ये पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 और माइनस आर स्क्वायर थेटा अपॉन 2। तो आप देखें ये 2r स्क्वायर थेटा तो यही रहेगा, और प्लस पाई स्क्वायर 2 अपॉन पाई स्क्वायर 2, ये पाई आर स्क्वायर ही हो जाएगा, और माइनस आर स्क्वायर थेटा अपॉन 2 माइनस आर स्क्वायर थेटा अपॉन 2, ये माइनस आर स्क्वायर थेटा हो जाएगा। इसमें आप चाहें तो आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, या 2r स्क्वायर थेटा माइनस आर स्क्वायर थेटा, ये होगा आर स्क्वायर थेटा प्लस पाई, सॉरी मुझे तो प्रूव करना है, प्लस पाई स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कॉमन ले लें, आर स्क्वायर कॉमन बाकी बचेगा थेटा प्लस पाई, थेटा प्लस पाई, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ आर स्क्वायर पाई प्लस थेटा, जो कि हमें प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, ये तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। इसका एरिया 1/2 आर स्क्वायर, इस पर एरिया यानी सब रेडियस 2r ले लें, 1/2 2r होल स्क्वायर थेटा प्लस 1/2 आर स्क्वायर, इसका रेडियस आर स्क्वायर, रेड इसका एंगल है पाई माइनस थेटा है, फिर ये भी वही आ जाएगा, और उसको सिंप्लीफाई करें तो प्रूव हो जाता है। अच्छा, फिर इसका दूसरा पार्ट इसका ये है कि शोड द पेरीमीटर ऑफ द मेटल प्लेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थेटा। मेटल प्लेट का पेरीमीटर थेटा से इंडिपेंडेंट है। अब मेटल प्लेट का पेरीमीटर ये हो जाएगा, पेरीमीटर इधर करने लगा हूँ, पेरीमीटर इज इक्वल होगा आर्क लेंथ सी डी प्लस, इधर से शुरू हुआ सी डी प्लस सी बी प्लस आर्क लेंथ ए बी प्लस ओ ए, ओ ए आएगा सॉलिड लाइन है, ओ ए प्लस ओ एफ और प्लस आर्क लेंथ, आर्क लेंथ ई एफ
और प्लस ई डी, ये सब का मैं इधर से शुरू होता हूँ। तो आर्क लेंथ देखें, ये सी डी आर्क लेंथ होगा, ये इसका है 2R रेडियस, तो 2R इंटू थेटा प्लस सी बी, सी बी तो R ही है, सी बी प्लस ये इसका आर्क लेंथ कितना होगा, R इंटू पाई माइनस थेटा इसका, फिर प्लस ये R, इधर लिखता हूँ प्लस R, फिर प्लस ये R और प्लस ये आ जाएगा R इंटू पाई माइनस थेटा और प्लस ये R। अभी सिंप्लीफाई करते जाएंगे, मुझे लगा 2R थेटा प्लस R प्लस पाई R माइनस R थेटा प्लस R प्लस R, ये प्लस 2R हो जाएगा और प्लस ये हो जाएगा पाई R और ये थेटा है माइनस R थेटा और प्लस R। तो और सिंप्लीफाई करेंगे, 2R थेटा R थेटा R थेटा ये कैंसिल आपस में होगा। अच्छा अब बाकी आप देखें, ये है आर और प्लस आर प्लस टू आर, ये बनेगा 4R, आर ये देखें 2R, ये R, ये बनेगा 4R और प्लस ये पाई आर प्लस पाई आर बनेंगे 2πR। आर अगर कॉमन ले लें तो 4 प्लस 2π, देखिए ये इंडिपेंडेंट थीटा है कि नहीं है, तो हमने प्रूव कर दिया, इसमें थीटा का कोई टर्म है ही नहीं, तो हमने प्रूव कर दिया। और हमने इसका पेरीमीटर भी मालूम किया जो है R इंटू 4 प्लस 2π।